ये प्रॉब्लम में देखिए, इट्स गिवन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 2 मीटर। देखिए ये दो स्लिट्स होती हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये एक स्लिट ये दूसरी स्लिट। स्लिट मीन्स देर विल बी अ स्मॉल स्मॉल ओपनिंग, यहाँ हमारा लाइट सोर्स होता है, फ्रॉम वेयर यू विल गेट लाइट, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, और ये दो होल्स में से कैसे लाइट निकल कर इस फाइनल स्क्रीन पर जाकर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नज़र आता है हियर। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स टू द फाइनल स्क्रीन वी डिनोटेड विथ अ लेटर डी। सो वही डिस्टेंस दिया है इसमें, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। ओके, व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, वेवलेंथ कितना है लाइट का, द वेवलेंथ इज 550 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट, ये जब डबल स्लिट पे गिर रही हैं, इज अरेंज ऑन द फाइनल ऑन द डबल स्लिट अरेंजमेंट, फ्रिंज ऑफ विड्थ 2 मिलीमीटर आर ऑब्टेंड। फ्रिंज विड्थ यानी कि अगर ये फ्रिंजेस यानी कि डार्क एंड ब्राइट जब हम फ्रिंजेस पर मिलते हैं तो उनकी मोटाई विड्थ वी यूजुअली डिनोटेड विथ बीटा, सो द वैल्यू ऑफ बीटा इज गिवेन एज, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ बीटा, 2 मिली मीटर आर ऑब्टेंड ऑन दी स्क्रीन, ये स्क्रीन पे ही ऑब्टेंड है। अब हमारा टास्क क्या है, व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर, डिटरमाइन द डिस्टेंस, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये जो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वी कॉल दिस एज स्मॉल डी, इसे क्या लेते हैं स्मॉल डी, एंड इज आस्किंग फॉर दिस थिंग ओनली, ये स्मॉल डी क्या है यही हमें पता करना है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये फर्स्ट स्लिट है ये सेकेंड स्लिट है, दोनों के बीच के सेपरेशन को डी बोलते हैं, इन सम बुक्स वी टेक इट एज 2D, तो 2D का वैल्यू फाइंड करना रहेगा आपको। सो एंड ऑल्सो फाइंड फ्रिंज विथ वेन द सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस बाई द सोर्स ऑफ, वेवलेंथ चेंज करना है बाद में, वो अदर पार्ट है उसको बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। सो फॉर्मूला इज फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन द स्मॉल डी, सो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द स्मॉल डी, सो डी इज इक्वल्स टू, ये डी स्मॉल डी को उधर सेंड कीजिए और ये बीटा को इधर सेंड कीजिए, इट विल बी कैपिटल डी लैम्डा बाई बीटा। ओके, वट वी हैव राइट डाउन, लैम्डा वैल्यू 550 नैनोमीटर। सो बिफोर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, बिफोर सब्सटीट्यूटिंग वी शुड कन्वर्ट एवरीथिंग इन SI यूनिट, सो नैनो हियर वी शुड कन्वर्ट दिस नैनोमीटर इन टू मीटर, सो रिप्लेस दिस नैनो विथ 10⁻⁹, द वैल्यू ऑफ नैनो इज 10⁻⁹। ओके राइट, इट इज कन्वर्टेड नाउ, दिस लैम्डा वैल्यू इज इन SI यूनिट। नेक्स्ट बीटा, बीटा इज 2 मिली मीटर, सो कन्वर्ट दैट मिली मीटर इंटू मीटर, सो राइट द वैल्यू ऑफ मिली, मिली विल बी 10⁻³, नाउ इट इज इन SI यूनिट। वन मोर थिंग इज दैट डी, डी वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन SI यूनिट, दैट इज 2 मीटर। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, कैपिटल डी इज ऑलमोस्ट 2, एंड द लैम्डा वैल्यू इज 550 × 10⁻⁹ divided by the value of beta, beta is how much, 2 × 10⁻³, so we have substituted everything, now solve this, you'll get the value of
d value, small d, which is the separation between the slits. Okay, you solve that. And the other part of this question is, other part is also find the width when the source of light is replaced. और उसके बाद क्या करना है हमको, यू शुड रिप्लेस दिस से सोर्स. आपका लैमड़ा पहले जो था वो नहीं इस्तेमाल करना है, अभी आपको लैमड़ा का वैल्यू चेंज कर देना है. लैमड़ा वैल्यू विल बी नाउ दिस इज 4 4 0 नैनोमीटर. तो कन्वर्ट इट इन टू SI यूनिट, इट विल बी 4 4 0 × 10⁻¹⁹ मीटर. क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिंज विड्थ बीटा कैलकुलेट करना है. डी वैल्यू वही रहेगा, इट विल बी 2 मीटर्स. बीटा वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और हम यूज़ करेंगे सेम इक्वेशन, डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन बीटा. अभी फॉर्मूले में फिर वापस से बीटा को उधर भेज दीजिए और स्मॉल डी को नीचे ला लीजिए. नाउ अभी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सर हम यहाँ स्मॉल डी का वैल्यू तो नहीं है, वो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे. इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो स्मॉल डी का वैल्यू आएगा वही स्मॉल डी का वैल्यू हम यहाँ इस्तेमाल करके, सेम वही रहेगा बट लैम्बडा का वैल्यू चेंज करके बीटा पता करेंगे, क्योंकि लैम्बडा डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ. एज वेवलेंथ चेंजेस द लैम्बडा विल ऑल्सो चेंज. ओके दैट्स इट.